हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं सोलो वर्जन स्कोर का एक मैच और गेम का नाम है गेना फ्री फायर। आई होप आप लोग इस वीडियो को काफी एंजॉय करने वाले हो और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को काफी सारे किल करके और जीत के दिखाने वाला हूं। तो देखते हैं मैं इस गेम के अंदर कितने किल कर पाता हूं और हम क्या जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। और आप देखते रहिए इस वीडियो को और आशा करता हूँ आप भी इस वीडियो का जरूर एंजॉय लोगे अगर आप लोग इस गेम को खेलते हो। तो भाई मैं यहाँ पे पैराशूट से लेकर सबसे पहले यहाँ पे उतर चुका हूँ और अब तक मुझे यहाँ पे कोई भी एनिमी देखने के लिए नहीं मिला है। और मैं थोड़ी सी यहाँ पे लूट कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे लूट कलेक्ट कर ली और अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये गन लूँ कि ये गन लूँ अब, क्योंकि एक्चुअली मेरे को गन के मामले में इस यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सी गन अच्छी है। फिर भी मैंने इस गन को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और मैंने उठा लिया और 30 बुलेट्स इसके अंदर हैं और मुझे मिल गया यहाँ पे एक मेडिकल किट और साथ में छोटा सा बैग। ठीक है, तो शायद 11-1 का बैग होगा। हाँ, 11-1 का ही बैग है। और इस गोल चक्कर का क्या होता है इसके बारे में तो मुझे अब तक नहीं पता है और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं से हो रही है फायरिंग और मुझे यहाँ पे फायरिंग के सिंबल्स दिख रहे हैं और मेरे पे भी हो गई है फायरिंग। और दोस्तों नीचे हैं दो प्लेयर और शायद आमने सामने फायर कर रहे हैं या पर हो सकते हैं एक ही स्कोड के हैं, मेरे को नहीं पता। और मेरे पास तो यहाँ पे स्कोड है नहीं क्योंकि सोलो वर्जन स्कोड और मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे सोलो मैच। तो देखते हैं ये फायरिंग कहाँ से हो रही है और ये बंदे मैं किस तरह से इनको मारता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि दौड़ता हुआ यहाँ पे जा रहा है और मैंने इसको फाइंड कर लिया और अब ये तो गया। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको इजीली किल कर दिया। तो अभी भी एक बंदा है जो मेरे पे फायर कर रहा है, मैंने उसको स्पॉट कर लिया, वो सामने की साइड है और मैं यहाँ पे छिपने की कोशिश करता हूँ। और मैं यहाँ पे नहीं छिप सकता तो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे किल कर देता हूँ। दोस्तों दो गोली मारी और ये बंदा किल हो चुका है। दोस्तों एक बंदा और है साइड से जिस जो मेरे पे फायरिंग कर रहा है और ये यहाँ पे ओ सिट, मेरी भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी हेल्थ कर चुकी है और मैंने उसको इजीली किल कर दिया है। ठीक है, और मुझे शायद अभी कुछ हेल्थ अपनी रिकवर करनी पड़ेगी वरना हम गेम हार जाएंगे और हमारा गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस घर के अंदर आ चुका हूँ और थोड़ी सी यहाँ पे दवाइयाँ मल्लम पट्टी कर लेता हूँ अपने प्लेयर की। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास हेल्थ आ चुकी है और ये सामने प्लेयर है, अपोनेंट है। और दोस्तों मैंने इसको भी इजीली किल कर दिया। दोस्तों इसी के साथ मेरे पास हो चुके हैं यहाँ पे 4 किल। तो 4 किल और दोस्तों अभी भी कोई प्लेयर है जो कि कुछ देर पहले मेरे पे यहाँ ये देखिए मेरे पे फायर कर रहा है लेकिन किस डायरेक्शन। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको फाइंड कर लिया और दोस्तों वो रन कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ है मशरूम टाइप, तो मैं इनको बाद में खाऊंगा, पहले मैं उसको पहले किल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों मैंने उसको इजीली किल कर दिया। अब देखते हैं उसके पास क्या लूट मिलती है हमें। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ लूट इसकी। तो यहाँ पे अच्छा लूट है मिल गई है और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी गन भी मुझे मिल गई है और मैं फिर भी मैंने उसको नहीं लिया वहाँ से। और उसके बाद मैं इसी गन के साथ रहना चाहूँगा और देखते हैं यहाँ पे आगे और मेरे को कितने किल मिल जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ हो चुके मेरे पास 5 किल। और दूसरा एक चीज़ है दोस्तों, आप अगर इन वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो बेशक यार आप लोग अपलोड कर सकते हो, मैं आप लोगों को कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा और मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग देना चाहो तो मेरे को क्रेडिट दे सकते हो अपने यूट्यूब के मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक देकर, वरना एन्जॉय करो यार। आप इस वीडियो को अपने किसी भी कंटेंट में यूज कर सकते हो। अगर आपको Q&A बनाना है तब भी आप मेरे इस वीडियो को यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी हो वैसे इस वीडियो को एज इट इज ऐसे उठा के आप यूज कर सकते हो और कोई परेशानी नहीं है। और ये सभी भाई की है और जो भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ मेरे हो चुके हैं 6 किल, मेरे एक बंदे के और यहाँ पे किल कर दिया। तो देखते हैं इसके पास से हमें क्या लूट मिलती है। तो दोस्तों इसके पास भी मुझे काफ़ी सारी एमओ मिल गई, कुछ हेल्थ किट मिले, तो मैं इनको जल्दी जल्दी फटाफट सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सबको कलेक्ट कर लिया और हेलमेट भी मैंने यहाँ पे अपना चेंज कर लिया क्योंकि मेरा हेलमेट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था और अगर मेरे को किसी ने हेडशॉट लगा दिया होता। वैसे तो इसमें हेडशॉट मारना इतना इजी नहीं है इस गेम में क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट एम रख कर खेलते हैं, तो जो हमारा एम होता है वो हमेशा एनिमी की बॉडी को ही सिलेक्ट करता है ना कि हेड को। और यूट्यूब पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, ऑटो हेड, ये हेड, वो हेड। तो दोस्तों एक्चुअली में कोई भी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करती है और अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट
खेलोगे तो ही, तो मतलब आपकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर आपके सामने वाले अपोनेंट की बॉडी ही सिलेक्ट होती है और वो ऑटो सिलेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस साइड से देखिए, यहाँ पे मेरे पे फायर कर रहा है बंदा और मैं इसको यहाँ पे गोलियाँ मार रहा हूँ। और दोस्तों ये इस साइड से आ रहा है, मैं इसके एडवांस चलता हूँ यहाँ से और ये मेरे को सामने की साइड से मिल जाए और मैं इसको ईजिली किल कर दूँ। तो देखते हैं वो, और देखिए आप बोलते हुए वहाँ पर पहुँच चुका है और मैं यहाँ पर कंटिन्यू फायर कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसके पास एक चांस है, अगर ये पेड़ के पीछे छिप जाए तो ये मैं इसको नहीं किल कर सकता, लेकिन वो पेड़ के पीछे छिपने की बजाय कुछ आगे दौड़ते हुए जा रहा था जिसकी वजह से मैंने उसको इजीली किल कर दिया। दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास यहाँ पे 7 किल, आप लोग देख सकते हो, और 20 बंदे अभी अलाइव है और 20 में से मैं कोशिश करूँगा कम से कम 18 या 15 बंदों को और मैं किल कर सकूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसके पास भी वैसे काफ़ी अच्छी लूट है और आप लोग देख सकते हो, और दोस्तों इसके पास एक काफ़ी अच्छी गन भी है। अब की बार मैं अपनी गन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, तो चलिए मैं ये गन ले लेता हूँ यहाँ से। और अब देखते हैं यहाँ पे और बंदे कहाँ कहाँ पे हैं और मैं उनको कितनी जल्दी किल कर पाता हूँ या वो मेरे को किल करते हैं, देखते हैं इस गेम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सामने की साइड एक बंदे को दौड़ते हुए जाते हुए देखा है, ठीक है, और हो सकता है उसके साथ पूरी स्क्वाड हो या फिर हो सकता है वो सिंगल बंदा हो, कुछ कह नहीं सकते। और चलिए मैं उसको पहले डिफाइंड कर लेता हूँ और इन घरों में से वो कहीं छिपा हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं मैं उसको किल कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। और जैसे कि मेरे पास अभी हो चुके हैं 7 किल और 18 बंदे अभी अलाइव हैं और देखते हैं मैं इन 18 में से मैं और कितनों को मार पाता हूँ। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे वो दिख भी नहीं रहा है और देख सकते हो वो मतलब सामने की साइड किसी पे वो शायद फायरिंग कर रहा है और मुझे अभी मैप के अंदर छोटे से मतलब फायरिंग के सिम्बल यहाँ पर दिखाई दिए थे, तो कहाँ है तो इस चीज़ के वो देख रहा हूँ मैं। और मैंने उसको स्कोर कर लिया और मैंने उसको यहाँ पे किल भी कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई, सबसे पहले मैं उस कॉर्नर में जाकर अपनी यहाँ पे हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी लास्ट का सर्कल है और इसमें सारे प्रो प्लेयर ही मिलने वाले हैं जो कि अच्छा खेलते होंगे। और दोस्तों एक बंदा देख सकते हो आप छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी मैं देखिए कैसे ईजिली किल करूँगा यहाँ पर, और उसकी भी अब सहमत आई है, अगर उतर गया तो ठीक है, नहीं तो उसका भी मैं इजीली किल कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ऊपर चढ़ा हुआ है और ये देखिए मैंने उस पर लगा दी है 2-3 शॉट, उसकी बॉडी शॉट, और भाग गया। और मेरे को शायद थोड़ा साइड हो जाना चाहिए और साइड होने के बाद मैं इसको और भी अच्छे से किल कर पाऊँगा और भी अच्छे से परफेक्ट एम ले पाऊँगा। और ये बंदा देखिए यहाँ पर गन चेंज कर रहा है और मेरे को मारने के पूरे पूरे विकास में, लेकिन मैंने इसको किल कर दिया। दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 9 किल और देखते हैं यार और कोई चादर मोद है कि नहीं है, आई मीन टू से सॉरी दोस्तों तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 9 किल हो चुके हैं, 10 जने अलाइव हैं, काश मुझे 10 के 10 प्लेयर मिल जाएं तो मैं इनकी चटनी बना दूँ। और दोस्तों 10 प्लेयर कह सकते हो, 2 स्क्वाड और 2 एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे, अगर ऐसा हुआ तो ओब्वियसली मैं ये मैच हार जाऊँगा। अगर स्कोर नहीं हुई और सिंगल बंदे जैसे कि पूरे मैच में मेरे को मिलते आए, अगर इसी तरह मिलते रहे तो उस बंदों की खैर नहीं है, ये मैच मैं ही जीतूंगा। और यहाँ पे फिलहाल तो कोई भी बंदा दूर दूर तक मेरे को नहीं दिख रहा और ना ही अब मेरे पे कोई फायर भी कर रहा है, तो देखते हैं भाई कहाँ छिपे हैं ये बाकी 9 बंदे, आई मीन टू से 8 बंदे, क्योंकि 9 प्लेयर तो मैं खुद हूँ। तो अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा और जैसे दिखता है उनकी मैं चटनी बना दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला इसके कैरेट में और ये सारे शायद मैंने पहले शायद कैरेट लूट लिए हैं और ये सारे कैरेट मैंने मार गिराए थे इन बंदों के। और यहाँ पे देखते हैं 9 बंदे अलाइव हैं, मेरे पास 9 किल हो चुके हैं और दोस्तों अब देखते हैं मैं कितने किल कर पाता हूं, क्योंकि दोस्तों जितने जितने ये बंदे कम होते जाएंगे उतने उतने मतलब प्रो प्लेयरों से मेरे को यहां पे भिड़ना पड़ेगा। और दोस्तों मैं इतना इस गेम में प्रो नहीं हूं, अभी मेरे को गन की भी समझ नहीं है कौन सी गन अच्छी है कौन सी गन बुरी है, लेकिन मैं जब भी मैच खेलता हूँ जीतता अपनी है, वो पता नहीं क्यों, ठीक है। और कुछ मैच ऐसे भी हैं जिनमें मैं मतलब मेरे एनिमियों ने मुझे कुत्ते की मौत मारा और जो मेरे सामने जो मेरे स्क्वाड मेंबर थे वो खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, तो कुछ ऐसे भी मैच थे। तो देखते हैं अब इस मैच में क्या होता है। और मेरी स्क्वाड तो पता नहीं कहाँ है, मतलब मेरे पास तो अब फिलहाल तो स्क्वाड तो है ही नहीं। और सामने दोस्तों यहाँ पर सामने की ओर से कहीं से फायरिंग हो रही है और चलिए मैं उसको फटाफट जाके किल कर देता हूँ और देखते हैं क्या माजरा है वहाँ पर, क्या 2 स्क्वाड लड़ रही है कि ओ ये कोई गाड़ी से लेके आ गया, ठीक है। तो और मैंने इस पर फायर किया
और यहाँ पे मेरे पे कोई और भी फायर कर रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि दोनों स्क्वाड मेंबर है, एक गाड़ी से और एक घर के अंदर यहीं पे आसपास है। और ये देखिए दोस्तों मेरे पास कंटिन्यू मेरे पे फायर कर रहा है और मेरे को एक एक करके बुलेट मार ही रहा है और मैं मरने वाला इजीली, इतना इजीली तो इनसे मैं मरने वाला हूँ नहीं क्योंकि हम भी प्रो प्लेयर हैं यार, चाहे बेशक दो तीन दिन से ही खेल रहा हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके घर के अंदर छिप जाने में भलाई है क्योंकि प्रो प्लेयर हमेशा छिप जाते हैं, तो मैं भी यहाँ पर छिप रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे छिप जाता हूँ और मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ बाहर की साइड, कूदूँ नहीं कूदूँ दोस्तों सामने की साइड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और ये देखो ये एक पता नहीं क्या है, इतनी स्पीड से कैसे बाहर निकल गया है मुझे नहीं पता। और ये जैसे निकला मैंने इसको किल कर दिया। यहाँ पे ये देखिए कोई पेड़ दौड़ रहा है और ये देखो दोस्तों एक और आ गया और ये आपस में लड़ रहे हैं और मैं इसी की लड़ाई का फ़ायदा उठा लेता हूँ और यहाँ पर मैं इनको ये बात। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास हो चुके 11 किल और मैंने 11 जनों को लुढ़का दिया। तो अब बचे हैं दोस्तों यहाँ पे 4 लाइव हैं। मेरे को अभी 3 प्लेयरों को और किल करना पड़ेगा अगर मेरे को इस मैच को जीतना है। और आप लोग देख सकते हो मेरे पास हो चुके 11 किल। तो देखते हैं दोस्तों हम इस मैच को जीत सकते हैं कि नहीं। और काफ़ी मतलब अभी गंभीर वाला शॉट है, एक और प्लेयर दिख गया दोस्तों और इसको कर दीजिए, मैंने इस पर कर दिया फायर और ये छुपने जा रहा है और शायद घर के अंदर चला गया। तो अभी ये भी सोच रहा है कि मैं भी घर के वहाँ से बारी दरवाजे में से जहाँ से भी मिले मैं मतलब मेरे को मारने की ट्राई करेगा, मेरे पे एम लगाएगा। तो ऐसा तो देखते हैं ये मेरे को मार सकता है। और दोस्तों आसपास कोई गाड़ी से भी देखिए ये एक गाड़ी वाला बंदा भी है। तो दोस्तों मिला के हम सिर्फ यहाँ पे बचे हैं 3 प्लेयर और मुझे ये प्लेयर यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है और मैं थोड़ा सा देखते हैं गाड़ी पे शॉट लेने की कोशिश करता हूँ दोस्तों क्योंकि मैं बाई डिफॉल्ट सेटिंग में खेल रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी पे एम लगा लेता हूँ तो ऊपर वाला बंदा मेरे को इजीली किल कर देगा। और मैं यहाँ पे नीचे उतर जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी सबसे पहले अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ क्योंकि अगर हेल्थ होगी तो मैं मैच जीत ही जाऊँगा ऑब्वियसली, अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो कहाँ से जीतूँगा। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे मेडिकल किट है मैं सबको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ और ये मेरे पास लास्ट मेडिकल किट है। और दोस्तों मेरे पास यहाँ पर हेल्थ रिकवर हो चुकी है तो चलिए हम इन बंदों से फाइट लेने। तो देखते हैं दोस्तों अब वो मुझे किल कर पाते हैं या मैं उनको किल कर पाता हूँ। और ये दोस्तों आप देख सकते हो सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है और हम तीनों एनिमी को पता है कि हम एक दूसरे को लोकेशन जानते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सामने को स्पॉट कर लिया, उस पर काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे गोलियाँ दाग दी लेकिन अभी भी बंदा मरा नहीं है और देखते हैं क्या होता है। और एक भाई साहब तो गाड़ी लेके घूम रहे हैं तो अगर मैं बाहर ऐसे ही दौड़ता हुआ पा जाऊँ तो बिल्कुल अपने टायर के नीचे जैसे नींबू निचोड़ देते हैं ना, टायर के नीचे नींबू आके कैसे निचोड़ जाता है उसी तरह वो मेरे को निचोड़ देगा। तो इसलिए मैं हो सके उतना घरों के पास, घरों के अंदर या लॉबी में या बालकनी में इस जगह रह के फाइट करने वाला क्योंकि वो कारों से अगर उसने मेरे को एक टक्कर मार दी तो आप लोग मेरी हेल्थ देख सकते हो, तुरंत मेरी हेल्थ चली जाएगी और मैं गेम हार जाऊँगा। और वो देखिए वो भाई साहब अभी भी गाड़ी लेके घूम रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ और उसको पीछे की ओर से फायरिंग करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पे वो मैंने देख लिया और ये मेरे और ये गाड़ी लेके आ रहा है और मैं यहाँ पे चुपचाप मेरे को इस घर के अंदर खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ जैसे पीछे आएगा मैं उस पर फायर करूँगा और वो आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों मेरे को यहाँ से पीछे की ओर से जाके देखता हूँ, शायद वो मेरे को गाड़ी से नीचे अगर पैदल मिल गया तो उसकी खैर नहीं है लेकिन वो गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है जनाब। तो उसको लगता है कि मैं इसके पीछे बाहर आऊँगा और वो मेरे को ईजिली मार देगा लेकिन मैं ऐसा पागल पंथी वाले काम नहीं करने वाला। और ये देखिए दोस्तों गाड़ी लेके फिर पीछे चला गया और उसकी सामत आई है तो काफ़ी मेरे को परेशान कर रहा है ये और जल्दी से किल नहीं हो रहा। और जैसे ही अगर जल्दी से किल हो जाए तो वैसे भी मतलब ये मैच ख़त्म हो जाए लेकिन 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 वो गाड़ी से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सर्कल और भी छोटा हो गया है और अब देखते हैं इन क्या हो सकता है क्योंकि गाड़ी तो घरों के अंदर लेके नहीं आएगा ओब्वियसली। देखिए वो उसने वहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर दी और मैं जाता हूँ अब यहाँ से पीछे की ओर से और मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा यहाँ पे अपनी गन से। तो देखते हैं यहाँ पे अगर मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता। और तो मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था दोस्तों उसने यहाँ पे अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और गाड़ी से उतर के ओब्वियसली इस घर के अंदर ही गया होगा। और वो एक और प्लेयर था उसके बारे में मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे लोग देख सकते गाड़ी का टायर के अंदर दिख रहा है और यहाँ पे देखिए ओ ये खड़ा प्लेयर और उस देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जीत चुका है और ये ले भाई। तो दोस्तों मैंने इसको भी मार दिया और दोस्तों इसी के साथ में मेरे पास 12 किल और ये मैच हम जीत चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो का भरपूर आनंद लिया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले गेम प्ले में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।